अंजू बॉबी जॉर्ज ने सन 2003 में पेरिस में आयोजित वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक प्राप्त कर एक नया इतिहास रच दिया। इस सफलता ने उन्हें ऐसी पहली भारतीय एथलीट होने का गौरव प्रदान किया जिसने किसी वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में कोई पदक हासिल किया हो। अंजू ने 6.70 मीटर लंबी कूद लगाकर विश्व स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में यह कांस्य पदक पाया। अंजू का जन्म 19 अप्रैल 1977 को चंगना ससेरी केरल के चीरन जीरा कोचुपरमबीर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केटी मार्कोस और माता का नाम ग्रेसी है। उन्हें एथलीट्स में आने के लिए उनके पिता ने प्रेरित किया और कोरुथार्ड स्कूल में उनके प्रशिक्षक मी थॉमस ने एथलीट्स में उनकी रुचि को काफी बढ़ावा दिया। उन्होंने सेंट एन हाई स्कूल और CKM कोरुथार्ड स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और विमला कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सन 1991 से 1992 में उन्होंने स्कूल एथलेटिक प्रतियोगिता में 100 मीटर बाधा एवं चौकी दौड़, हर्डल एंड रिले में पहला और लंबी कूद तथा ऊंची कूद स्पर्धाओं में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और वे महिला चैंपियन बन गईं। अंजू की प्रतिभा पर उस समय लोगों का ध्यान गया जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल के खेलों में 100 मीटर की बाधा दौड़ और तीसरा स्थान पाया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे कालीकट विश्वविद्यालय की चैंपियन थी। यद्यपि उन्होंने शुरुआत हेप्टेथलॉन 7 प्रकार का क्रीड़ा प्रतियोगिता से की थी लेकिन बाद में उन्होंने लंबी कूद प्रतियोगिता पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और सन 1996 में दिल्ली जूनियर चैंपियनशिप में लंबी कूद का पदक जीता। सन 1999 में अंजू ने बेंगलोर फेडरेशन कप में तिहरी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और नेपाल में आयोजित साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में रजत पदक प्राप्त किया। सन 2001 में अंजू ने लंबी कूद के 6.74 मीटर की दूरी दर्ज कराकर अपनी ही रिकॉर्ड बेहतर किया जो तिरुवनंतपुरम में नेशनल सर्किट मुकाबलों में आज तक उनके नाम सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान है। उसी वर्ष उन्होंने लुधियाना राष्ट्रीय खेलों में तिहरी कूद और लंबी कूद में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अंजू हैदराबाद राष्ट्रीय खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण छाई रही और मैनचेस्टर 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 6.49 मीटर की लंबी कूद लगाकर उन्होंने न केवल कांस्य पदक जीता बल्कि उन खेलों में कोई पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव भी प्राप्त किया। उन्होंने बुसान एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया। विश्व खेलकूद प्रतियोगिता में उनकी उच्च स्तरीय सफलता के बाद भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2003 में प्रदान किया जो स्पोर्ट्स के मैदान में उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित करने वाली खिलाड़ियों को दिया जाता है। अंजू अब विश्व में छठे स्थान पर है। अंजू ने 2 वर्ष की अल्पावधि के अंदर इतनी कड़ी मेहनत और जबरदस्त तैयार की जहाँ सन 2001 में वे 61वें स्थान पर थी वही सन 2003 में वे छठे स्थान पर पहुंच गई। उनकी सफलता का श्रेय उनके पति और कोच बॉबी को जाता है जिनसे अंजू बहुत प्रभावित थी और जिन्होंने अंजू को अपनी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत मदद की। बॉबी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और तिहरी कूद में स्वयं भी नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने अंजू का पूर्णकालिक प्रशिक्षक बनने का खातिर सन 1998 में अपना करियर त्याग दिया। वे एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं और विख्यात वॉलीबॉल खिलाड़ी जिमी जॉर्ज के छोटे भाई हैं। अंजू और बॉबी दोनों इस बात को भलीभांति समझते थे कि विश्व स्तर के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से अवगत होना अनिवार्य है। यही कारण था कि उन्होंने आवश्यक प्रबंधन किए। विश्व एथलीट्स मुकाबलों से पहले एक विश्व रिकॉर्ड होल्डर माइक पॉवेल से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण ने से उन्होंने तकनीकों की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। अंजू और बॉबी जॉर्ज दोनों सीमा शुल्क विभाग में काम करते हैं और बेंगलुरु में बस गए हैं। अंजू ने सन 2005 में ISF वर्ल्ड एथलीट्स फाइनल में भी एक रजत पदक प्राप्त किया। इस प्रदर्शन को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मानती है। उन्होंने सन 2004 में एथेंस ओलंपिक में भी हिस्सा लिया लेकिन कोई पदक हासिल नहीं कर सकी। सन 2008 में आयोजित बीजिंग ओलंपिक में भी उन्होंने शिरकत की लेकिन वहां भी वे महिलाएं की लंबी कूद स्पर्धा के लिए अपनी दावेदारी सिद्ध करने में सफल नहीं हो सकी क्योंकि उनके तीनों प्रयास विफल हो गए। अंजू का असाधारण प्रतिभा और राष्ट्रीय क्षेत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप मुकाबलों में उनका लगातार शानदार प्रदर्शन के आधार पर भारत में उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय खेलकूद के इतिहास में सदैव एक अत्यंत सफल एथलीट के रूप में माना जाता रहेगा। अंजू द्वारा जीते गए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं: सन 2002 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सन 2003 में अर्जुन अवार्ड, सन 2004 में पद्मश्री
और सन 2001 एवं 2002 में राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब जीता। सुदर्शकों, मोहे मलंग इज अ प्योर मोटिवेशनल बायोग्राफी स्पिरिचुअल चैनल वेयर आई अपलोडेड बेस्ट मोटिवेशनल बायोग्राफी इंस्पिरेशनल बायोग्राफी एंड स्पिरिचुअल कंटेंट। इफ यू लाइक मोटिवेशनल वीडियोस, कोर्स स्पीचेस, बायोग्राफी, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। इन दिस चैनल वी ऑल्सो अपलोडेड सब्सक्राइब वीडियोस, बायोग्राफी, मोटिवेशनल स्पीच, स्पिरिचुअल कंटेंट, स्पिरिचुअल बुक समरी, सक्सेस स्टोरी। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए मोहे मलंग से जुड़े रहे और अपना सुझाव कमेंट में बताएं। आशा है कि आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नए दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।